प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव खंड का उद्घाटन किया है। इस द्वारिका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को 9000 करोड़ की लागत के साथ तैयार किया गया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली एनसीआर और उससे जुड़े आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का अब सफर आसान हो जाएगा। इसी के साथ लोगों को अब लंबे जाम से भी राहत मिलेगी। द्वारिका एक्सप्रेसवे का दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और द्वारिका एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने से फरीदाबाद और दिल्ली के लोगों को भी बड़ा लाभ होगा। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं। 29 किलोमीटर लंबा यह द्वारिका एक्सप्रेसवे 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर शिव मूर्ति से शुरू होता है और खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास जाकर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे आईजीआई हवाई अड्डे के पास शिव मूर्ति को खेड़की दौला टोल प्लाजा से जोड़ेगा, जो गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए एक बेहतर आवागमन का विकल्प बनने में सहायक रहेगा। एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे भारत में अपनी तरह का पहला एक्सप्रेसवे है। इसमें सुरंग, अंडरपास, फ्लाईओवर और एलिवेटेड संरचनाएं शामिल हैं। इसमें 34 मीटर चौड़ी ऊंची सड़क, जिसे 9 किलोमीटर की लंबाई में एकल स्तंभों द्वारा समर्थित किया है। दिल्ली में पहले चरण की लागत 2,507 करोड़ रुपए है, तो वहीं दूसरे चरण की 2,068 करोड़ रुपए है, तीसरे चरण की 2,228 करोड़ रुपए और चौथे चरण की लागत 1,859 करोड़ रुपए है।